स्पॉन्सर्ड बाय पीएसएस एकेडमी रीवा, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, स्वागत है विंध्या टाइम्स में। रीवा की खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण और निष्कासित कर्मियों को वापस लेने की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों हड़ताल पर हैं और इसका असर रीवा में भी देखा जा रहा है। रीवा में संविदा स्वास्थ्य कर्मी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं और आज सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने कहा है कि 2018 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये वादा किया था कि वह संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है, वो अपना वादा भूल गए हैं। दूसरी मांग निष्कासित कर्मियों को वापस लेने की थी, जिसे फिर से उठा रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये प्रदर्शन और बड़ा होता जाएगा। हमारी प्रथम मांगे ये है कि जिस तरह शिक्षा विभाग को और हमारे अन्य ऐसे विभाग हैं जिनको नियमित कर दिया गया है जो नीति के तहत, उसी नीति के तहत संविदा कर्मचारियों जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं उन्हें भी नियमित किया जाए। प्रश्न दूसरा ये है कि वर्ष 2018 में 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संविदा की नीति लागू की थी जिसमें ये कहा गया था कि 90% सरकारी कर्मचारियों के बराबर संविदा को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग में वह नीति 5 वर्षों में लागू नहीं करा पाए। प्रश्न दूसरा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव 2018 में था तो उन्होंने कहा था कि संविदा एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और हम इसे बदल कर सभी कर्मचारियों को नियमित करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री होते हुए भी और वह अपने वचनों को आज तक पूरा नहीं कर पाए, ये बहुत बड़े दुखद बात है। हम ये चाहते हैं कि वो अपने वचनों को पूरा करें और जितने भी संविदा स्वास्थ्य में कर्मचारी हैं उन्हें तत्काल नियमित करें और जो साथी हमारे निष्कासित हो चुके हैं उनकी गलत नीतियों के कारण उन्हें तत्काल वापस करें। अन्यथा की स्थिति में क्या? अन्यथा की स्थिति में हम उग्र आंदोलन में चले गए हैं। बिल्कुल निश्चित पड़ेगा वो तो हम लोगों ने नारा ही दे दिया। हिमाचल सरकार जैसे गई है 1% वोट से, वो 32,000 कर्मचारी हम लोग हैं 1%। हम लोग 15-20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की भांति सेवा दे रहे हैं, उनसे ज्यादा डिग्रियां हम लोगों के पास। फिर कारण क्या है कि हम लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा? पूरे कोविड काल में काम 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे हैं जिनको संविदा में जो कार्यरत है। विजय तिवारी, हम डेटा मैनेजर हैं सीमा ऑफिस रीवा में। अगली खबर की बात करते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर रीवा एनएसयूआई टीम द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई का कहना है कि प्रदेश सरकार युवाओं और रोजगार की बात करती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किन बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली, सरकार किस तरह से युवाओं के हित में काम कर रही है जबकि अभी तक लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं। एनएसयूआई ने शहर के कॉलेज चौराहा में पुतला दहन करते हुए ये मांग की है कि अगर शिवराज सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करती है तो युवा उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जी, आज हमने शिवराज सरकार का पुतला दहन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य था बेरोजगारी को लेकर के। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 20 वर्षों में हमारे मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 20% बढ़ी। आबादी के अनुपात पे जो सरकारी नौकरियां हैं हमने ये देखा 3-4% घटी हुई। तो मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सरकार से, जब चुनाव आता है तो आप युवाओं की बात करते हैं, युवाओं देश का भविष्य है आप ये बोलते हैं, तो अगर युवा देश का भविष्य है तो आप युवा की रोजगार की बातें क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा आगामी चुनाव में, जैसा कि हम सभी जानते हैं युवाओं का जो निर्णय होता है वही चुनाव का निर्णय कहलाता है। मैं बताना चाहूँगा कि सभी छात्र जो भी 18 वर्ष के ऊपर हैं, यदि सरकार रोजगार को लेकर के और विचार मंथन नहीं करेगी, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो इसका भुगतान करना पड़ेगा शिवराज जी को। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बात करते हैं युवाओं की रोजगार की, किस प्रकार का रोजगार आप दे रहे हैं?
एक दिन में प्रतिदिन 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहा है। रीवा की अगली खबर की बात करते हैं। इन दिनों पठान फिल्म को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा में शिवसेना पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना जिला अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान में अश्लीलता का प्रदर्शन किया गया है। हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली भगवा ड्रेस का प्रयोग बेहद ही निंदनीय है। इस फिल्म एवं लंबे समय से हर फिल्मों में जो अश्लीलता का प्रदर्शन हीरो हीरोइन द्वारा किया जा रहा है, उससे भारतीय संस्कृति जनमानस पर विपरीत छवि बनती है, बच्चों की कोमल मानसिकता पर बुरा असर पड़ता है। वहीं शिवसेना पार्टी द्वारा बताया गया कि आज बच्चों के साथ टीवी देखने में भी शर्म आती है। कलाकारों सेंसर बोर्ड जिम्मेदार मंत्रालयों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।